प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की हिमाचल इकाई और पीवीएन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने प्रेस क्लब ऊना के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा पर जानलेवा हमले की निंदा की है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष विजय चंदेल की अगुवाई में एसोसिएशन ने तहसीलदार बद्दी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर जहां पर इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है तथा पत्रकार सुरक्षा अधिनियम पारित करने को भी आवाज बुलंद की है। प्रदेशाध्यक्ष विजय चंदेल ने कहा कि ऊना प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा पर हुआ जानलेवा हमला निंदनीय है। अगर आज मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। चंदेल ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करें और मामले की जाँच उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। हम इसकी मांग करते हैं कि जो जिन्होंने सुरेंद्र शर्मा जी के ऊपर हमला किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इस मामले को संज्ञान में लेके पूरी कार्रवाई की जाए। वहीं एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश ने कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश सरकार पत्रकार सुरक्षा अधिनियम पारित करे ताकि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश की इकाई ने ऊना में जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा हैं उन पर जो हमला हुआ है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया है और सरकार से मांग की है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं एसोसिएशन ने एक और भी मांग उठाई है कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम जो महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है उसे भी हिमाचल में लागू किया जाए ताकि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि अगर आज मीडिया का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। तो हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में जो है वो सरकार अपना अधिनियम पास करे और पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। वहीं इस मामले को लेकर तहसीलदार बद्दी राजेश जरियाल ने कहा कि एसोसिएशन ने जो ज्ञापन सौंपा है उसे तुरंत प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। बद्दी से रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।